good. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं मौजूद हूँ कराची में और बैग देखकर आप ये ना समझिएगा कि मैं वापस जा रहा हूँ। मैं कराची में मौजूद हूँ और मेरे पीछे नेशनल यूनिवर्सिटी, इधर नहीं जा रहा। हम जा रहे हैं अफ्तारी करने दो दरिया बीच पर। चला पहुँच जाएंगे, बस इसमें सारा अफ्तारी का सामान है मेरे पास। अभी हम तकरीबन पहुंचने वाले और अभी हम हैं DHA कराची में। देख देख देख, तो अस्सी जो बहुत समंदर के साथ है ना, तो बहुत ठंडी अच्छी हवा चल रही है। तकरीबन अफ्तारी में 20 मिनट बचे हैं और हमें पहुंचने में 9 मिनट लगेंगे। तो देखते हैं पहुंचते हैं, और वहाँ पहुँच के सिस्टम भी बनाना है। कुछ सामान तो लेकर आए हैं लेकिन कुछ लेना था उसके लिए टाइम नहीं बचा। आगे से देखते हैं, कुछ दिन होता है तो ले लेते हैं। टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं। अभी टाइम बहुत कम बचा है अफ्तारी में और हमें कुछ जगह भी नहीं मिली बैठने के लिए। इतना रश है, ऐसा लग रहा है किसी को कराची में घर में नहीं बैठने दे रहा है। और अभी हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे दादे अश्वत, जिसको आपने पिछले कराची वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा, इस साइड आ जाए। क्या हाल है अश्वत? तो कैसा लग रहा है आप आज इफ्तारी करने वाले हैं? बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, आप भी आ जाए यहाँ पर घूमें, बहुत ही मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे। अभी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा कराची यहाँ पर टूट पड़ा है। हमें बहुत मुश्किलों से जगह मिली है और जैसी जगह मैं चाहता था वैसी मिली है, लेकिन है ना सनसेट हो गए है, वो वाली हमने वाइब नहीं ली। इंसान घर में अफ्तार का मज़ा और होता है, लेकिन समंदर के सामने बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये है हमारे साथ, किधर गए? अमीर रगड़ो अहमद पीछे आ रहा है, उसको बैग पकड़ा दिया है। चेक करें व्यू समंदर का। ये व्यू होगा, यहाँ पर सिस्टम होगा अफ्तारी का और सामने इतना अच्छा व्यू होगा। ठीक है, लेना था बहुत सामान और चीज़ें लेनी थी लेकिन टाइम नहीं मिला, तो अभी जो घर से लेकर आए हैं वही खाएंगे। वो आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारे पास चन्ना बिरयानी, ब्लैक चने होते हैं छोले जो, उसके साथ इसमें खजूरें और फ्रूट चाट है, इसमें थोड़ा सलाद वगैरह है और इसमें है कबाब है। तो अंधेरा होने वाला है, इफ्तारी भी होने वाली है, लेकिन तस्वीरें तो लेनी है ना, तो इन्होंने तस्वीरें ली है। अभी मैं भी एक दो क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद सारे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है, अभी खाने लगे हैं। खजूर मुझे भी दे दे, मुझे हाथ से दे दे। ये व्यू और रमज़ान का महीना और अफ्तारी और बहुत अच्छी हवा, कितना मज़ा आ रहा है। हमारे पास पानी खत्म हो गया है तो हमारे पीछे फैमिली बैठी है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। उनके पास जा रहा हूँ पानी लेने। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझ मिशन कंप्लीटेड, कैसे तुझसे करूं सामना,
गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया बिन तेरे मेरी हस। हम इफ्तार यहाँ पर कर रहे थे और ये पानी अभी यहाँ पर पहुँच गया है। कहते हैं ना रात को आगे आता है समुद्र, तो अभी वहाँ पर था, यहीं पर पहुँच गया अभी। और ये है ना यहाँ पर ठंड है, हम आए थे ना वहाँ तो गुलशन हदीद से आए हैं, वहाँ पर गर्मी थी, तो जैसे समुद्र के पास आने लगे ना तो ठंड स्टार्ट होने लगी। पड़ गई था चप्पल उधर गई। अभी यहाँ पर हमने इफ्तारी की है, यहाँ पर तस्वीरें वगैरह लेंगे और बहुत मतलब ऐसी फील आई ना कि आप कहीं जन्नत में बैठे हैं। इतनी अच्छी हवा, तारी, समंदर, इतना अच्छा माहौल, ये आपको मिल सकता है पाकिस्तान में कराची में। ठीक है, कराची है ना बेस्ट सिटी है, जितनी सिटीज़ आप घूम लें कराची की जो वाइब है ना, कराची का जो मज़ा है ना वो आपको किसी सिटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दुआ अल्लाह पाक से यही के यही है कि यहाँ के हालात भी अच्छे हो जाए, फिर तो मतलब बेस्ट सिटी है, बेस्ट बेस्ट। तो अभी हम जा रहे हैं और समंदर आगे आ रहे हैं। अभी हम बैठे हैं सदर में और यहाँ पर चाय पी रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे टोरा करने, लास्ट छोड़ा था वाले। कराची के मजे ले रहे हैं, थकन भी हो गई है।